खबर मुंगेली से, जहां पर गुजरने वाला कवर्धा मुंगेली मुख्य मार्ग जर्जर हो गया है, जिसके चलते आज दिन सड़क पर कोई ना कोई राहगीर हादसों का शिकार हो रहा है, जबकि न जाने कितने वाहनों में टूट फूट हो चुकी है। बता दें निर्माण एजेंसी एडीबी ने कुछ ही साल पहले इस सड़क का निर्माण किया था, मगर समय से पहले ही सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया है। मुंगेली के पड़ाव चौक से पंडरिया जाने वाली 10 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में साल भर से यहां पर हजार भर से ज्यादा दुर्घटना हो चुकी हैं। दुर्घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं, सैकड़ों लोगों की मौत इस मार्ग पर हो चुकी है, बावजूद इसके जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। हालांकि मीडिया से बातचीत में कलेक्टर ने जर्जर हो चुके स्थानों की मरम्मत कराने की बात जरूर कही है। ये जो मुंगेली से फास्टर मुख्य मार्ग है, वो मुंगेली शहर से 10 किलोमीटर दूर तक के पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसमें आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी कल ही की बात है, दो लोगों की मौत हो गई है। और बार बार हमने प्रशासन से, मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया, लेकिन कोई कभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खाना पूर्ति के लिए थोड़ा बहुत कुछ नेता और जनप्रतिनिधि जो है हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, उनको तो हमसे मतलब नहीं है। हम जो है कीड़े मकोड़े की तरह ये जो रोड है उसमें चलने को मजबूर है, और उनका जो है जैसे भी वो आते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर अलग से व्यवस्था कर देते हैं, रोड जो है मोड़ दिया जाता है। जितना बार शिकायत कर चुके हैं, सब जगह जाके बोल चुके हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। रोड जर्जर है, वहाँ पे मरम्मत करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं, क्योंकि वो एजेंसी के का मुख्यालय इस जिले में नहीं है, परंतु उनके इंजीनियर्स के सतत संपर्क में हम लोग है, जहाँ जहाँ आवश्यक मरम्मत। तो इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित कश्यप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, 1000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं और 1 सैकड़ा से ज्यादा मौतें यहां पर हो चुकी हैं, बावजूद उसके प्रशासन जिम्मेदारी नहीं ले रहा, प्रशासन गंभीर क्यों नहीं है? रोहित, बता दूं कि मुंगेली और कवर्धा जो मुख्य मार्ग है, और मुख्य मार्ग पे खासकर जो 10 किलोमीटर का रोड है, मुंगेली के पड़ाव चौक से पंडरिया रोड में 10 किलोमीटर की जो रोड है वो बेहद जर्जर स्थिति में है, और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं यहाँ पास। और यहाँ पर स्थानीय लोगों की जो माने तो उनके मुताबिक साल भर में ही हजार घटनाएं घट चुकी है, जिनमें से 100 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो चुकी है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार भी लगाई गई है, मगर इसके बाद भी किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं चुनावी समय में जरूर जो जनप्रतिनिधि है, जो नेता है, स्थानीय नेता है, वो लोग वायदे जरूर करते हैं कि सड़क की मरम्मत कराई जाएगी, नए सिरे से सड़क बनाई जाएगी, लेकिन होता कुछ नहीं है सिवाय वादे के। निर्माण एजेंसी एडीबी पर भी कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ साल पहले रोहित एडीबी ने ही सड़क का निर्माण किया था। देखिए, कलेक्टर साहब खुद ही इस मामले में हमसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि एडीबी जो कि मुंगेली जिले में उसका मुख्यालय नहीं है, यही वजह है कि मरम्मत कराने के लिए भी जिला प्रशासन को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं नवनिर्मित मुंगेली जिले में अभी भी संसाधन की कमी है, कई विभाग जो है दूसरे जिले से संबंधित है, जिसके चलते विकास कार्य ठप पड़ा ही हुआ है, और इस तरीके की जो समस्या निर्मित हो रही है, कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी बने रहिए रोहित हमारे साथ हेमंत गोस्वामी प्रदेश कांग्रेस सचिव फोन लाइन जुड़ गए हैं। हेमंत जी, दरअसल 10 किलोमीटर लंबाई मार्ग है, जर्जर हो चुका है, 1 सैकड़ा से ज्यादा मौतें और 1000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो गई हैं, बावजूद इसके यहाँ पर इस रोड का मरम्मत क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि हमने मुंबई कलेक्टर महोदय के समक्ष उनके जो बातें हुई है कि इसलिए हमने धरना प्रदर्शन भी किया और उसमें सरकार हमारी सुनी थी, और बार बार उसका टेंडर होने के बावजूद भी उसमें एक ही जमीन के लिए कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको पैसा दिया गया। ये जो है रोड के निर्माण जब हुआ था 4 साल पहले की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उस रोड के निर्माण के बाद हमने उसकी गुणवत्ता को लेकर के हमने विरोध किया, पर शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों को समय को ध्यान नहीं दिया। आज जनता को जो भुगतना पड़ रहा है वो उसी का परिणाम है। हेमंत जी, अब तो करवाई अब तो सरकार भी आपके प्रदेश में, ठीक है, सरकार अभी आई 6-7 महीना 8 महीना हुआ है, सारे बाहर की जो योजना है वो सारे रोड किसान पहले महत्व किया, मौतें लगातार होती जा रही हैं, आप कह रहे हैं 6-7 महीने सरकार को आए हुए हैं, पहला आपसे जानना ही चाहेंगे किन किन अधिकारियों के पास आप जा चुके हैं और क्या कुछ कहना होता है अधिकारियों का? इनके लिए हमने कलेक्टर महोदय से बात किया है,
बहुत सारी घटनाएं हो रही है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि काम जो है बहुत जल्दी जहाँ पर जो गड्ढे है उसका भरपाई उनके उसको पूरा रिपेयरिंग कर दिया जाएगा और प्रक्रिया में उनको डाल दिया है। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप ऊपर तक इस बात को ले जाएंगे और सरकार के कानों में ये बात जाएगी, उसके बाद इस रोड का निर्माण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ स्थानीय निवासी राधा चरण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राधा चरण जी स्वागत है आपका, सर बताएं आप। सर रोड की स्थिति अभी आप जाके देखोगे साहब, हर 100 मीटर में आपको बड़ा बड़ा गड्ढा मिलेगा। अभी फिलहाल 2 दिन पहले दो मौत एक साथ हुई है जी। एक 5-6 साल का बच्चा खत्म हुआ है, मुगली 6 किलोमीटर दूर एक जवान आदमी, और आए दिन 10-5 लोग तो ऐसी गिरे जा रहे हैं। सर रोड की स्थिति आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अब उसकी तो रोड तो बड़ा ही 5 साल हुआ है, अगर आप जाके बार बार हम शिकायत भी करते हैं तो बस वही आरोप प्रत्यारोप। अभी जो सरकार है, अभी जो जनप्रतिनिधि वो पिछली सरकार को दोष देते हैं, और कलेक्टर साहब को बोलो तो आश्वासन बस आश्वासन, सर उम्मीद को दिखती नहीं जी। निश्चित रूप से इस मुद्दे को हम लगातार राधा चरण जी उठा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस सड़क का निर्माण होगा। शासन और प्रशासन साथ ही सरकार के हुक्मरानों के कानों में बात गूंजेगी, जिसके बाद इस रोड का निर्माण किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना दर्द हमारे साथ साझा करने के लिए।